हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सक्सेस स्टोरी के इस मंच पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद है हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होगी और हमारे साथ आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे कि जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया कि किसी चीज़ को सही समय पे शुरू करना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ सही समय पे शुरू करना चाहते हैं तो वो सही समय अब ही होता है। ये कभी मायने नहीं रखता कि आप किस एज के हैं, कितने छोटे हैं, बस आपका ज्ञान मायने रखता है। अगर कोई चीज़ आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उस स्टार्टअप के बारे में आप अपनी नॉलेज को बूस्ट करिए करिए अपनी नॉलेज बनाइए और अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सही समय अभी ही है। अगर आप किसी सही समय का इंतज़ार करते हैं तो हर आने वाले पल में आप एक पल पीछे होते जा रहे हैं, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने पल पीछे होना चाहते हैं या कितने पल आगे। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम मार्क जुकरबर्ग है। बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे। Facebook.com के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे एक ऐसी साइट बनाई Facebook.com, जिसने पूरी दुनिया को, लगभग पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया, एक नेटवर्क बनाया और सबसे कम उम्र में बिलियनियर बनने का खिताब अपने नाम किया। मार्क जकरबर्ग ने इस बात को, इस सोच को बदल कर रख दिया है कि एक छोटे से उम्र में बड़ा काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नया स्टार्टअप करने के लिए हमें नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने इस बात को गलत साबित किया कि सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, पर्याप्त नॉलेज है, तो आप अभी से कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मार्क जकरबर्ग के बचपन की ओर। मार्क जकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क स्थित डॉबी फेरी में हुआ था। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहन हैं। मार्क दूसरे स्थान पे हैं और घर के एक लौते बेटे हैं। मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जकरबर्ग है, जो कि एक पेशे से डेंटिस्ट हैं और वो एक अच्छे प्रोग्रामर भी हैं। उनकी माँ का नाम कैरन जकरबर्ग है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। उनके घर के पास ही पिता का डेंटल क्लिनिक है, जहाँ वो अपने मरीजों को देखते हैं। मार्क बचपन से ही बहुत ही तेज और होनहार रहे हैं। उन्हें जब वो अपने स्कूल में थे तभी से उन्होंने प्रोग्रामिंग में बहुत रुचि थी, और प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। इसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क अपने पढ़ाई में इतना तेज थे कि वो 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक ऐसा मैसेंजर बनाया था जिसका नाम उन्होंने ज़िपनेट रखा, और इस सॉफ्टवेयर के जरिए उन्होंने अपने घर के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, अपने पिता के क्लिनिक के कंप्यूटर्स को भी जोड़ा, और इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला। अपने घर के सारे कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज ट्रांसफ़र करके अपने फैमिली मेम्बर्स से बात किया करते थे, और अपने घर से अपने पिता के क्लिनिक में भी मैसेज से बात किया करते थे। और यही सॉफ्टवेयर उनके क्लिनिक में भी यूज़ होता था, जब उनके पिता अपने रिसेप्शनिस्ट से बात करके अपने मरीजों के आने की जानकारी लेते थे। मार्क जकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर बुलाया, जो कि उन्हें प्रोग्रामिंग सीखते थे। मार्क जकरबर्ग इतनी तेज़ी से प्रोग्रामिंग सीखते थे कि उनके टीचर भी बहुत ही हैरान थे। इतनी छोटी सी उम्र में, जहाँ बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते और खेल कूद में उन्हें अच्छा लगता है खेलना कूदना, उस उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के बहुत ही टैलेंटेड एंड टॉपर स्टूडेंट थे, और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट्स में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर भी बनाया था, जिसका नाम उन्होंने साइनैप्स मीडिया प्लेयर भी रखा था। यह एक ऐसा मीडिया प्लेयर था जो कि प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था, जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनना चाहता था। IT जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को और AOL इस मीडिया प्लेयर को में रुचि दिखाने लगे और इसे खरीदना चाहा। उन्होंने मार्क को बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अपने स्कूल की पढ़ाई के बाद मार्क जकरबर्ग आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और वहाँ भी मार्क ने अपनी इंटेलिजेंस का परिचय बखूबी दिया। वहाँ वो इस कदर पॉपुलर हो गए थे कि लोग उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जानने लगे थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेसमैश था। मार्क को इसे बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को डेटाबेस को हैक किया, और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी लड़के लड़कियों के, यानी सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर्स और नेम
बिना परमिशन के वहाँ से निकाल लिए और अपनी साइट में डाल दिया, और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि अपने आप ही किसी दो लड़की या दो लड़कों के फ़ोटो को सामने स्क्रीन पे शो करता है, उनका नाम शो करता है, और वहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम जैसा था कि कौन ज़्यादा हॉट दिख रहा है और नॉट हॉट और नॉट, वोटिंग करने के लिए कहता था। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल्स से बहुत ही डांट पड़ी और उस साइट को बंद करवा दिया गया। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग का इंटेलिजेंसी का लेवल इस बात से भी जाना जा सकता है कि जब उन्हें अपने फिश मैश सॉफ्टवेयर के लिए प्रिंसिपल्स और बाकी सारे टीचर्स से यानी कि कॉलेज मैनेजमेंट से डांट पड़ रही थी, तो मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया कि आपने ये क्यों बनाया है, जिसे पूरा करने के लिए कॉलेज के डेटा को हैक करना पड़ा और आपको इस बात के लिए सज़ा भी हो सकती है कि आपने अपने यूनिवर्सिटी के डेटा को, वेबसाइट को हैक किया है और डेटा चोरी की है। तो इनका जवाब था कि मैं सजा का नहीं इनाम का हकदार हूँ इस बात के लिए कि मैंने आपकी वेबसाइट में, आपके सॉफ्टवेयर में आपके डेटा को एक सिक्योर नहीं है इस बात का प्रमाण दिया जो आपको पता नहीं था। आपको तो हमें रिवॉर्ड देना चाहिए यानी कि इनाम देना चाहिए कि मैंने एक फ्लॉस ढूंढा आपके सॉफ्टवेयर में। ये था उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक नमूना और उनके आंसर देने की हाजिर जवाबी। दोस्तों, आइए जानते हैं फेसबुक की शुरुआत कहाँ से हुई। फेशमस के इस इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट दिव्य नरेंद्र मार्क के पास आए और एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लाए थे। उनके साथ दो पार्टनर भी थे। दिव्य ने मार्क से कहा कि इस साइट को अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फ़ोटोज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को तुरंत सुनकर हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्हें एक खुद का सोशल नेटवर्किंग साइट करने की आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन thefacebook.com रजिस्टर कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग facebook.com के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस समय सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही किया करते थे और धीरे धीरे साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाने लगे। यूनिवर्सिटी की फेसबुक की पॉपुलरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उम्र के लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने फेसबुक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया इस लेवल का और अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इस प्रोजेक्ट पे अपना पूरा ध्यान और पूरा टाइम देना शुरू कर दिया। फेसबुक की खासियत है कि यहाँ पे लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने दोस्तों से दोबारा बात भी कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, चाहे उनके दोस्त दुनिया भर में कहीं भी हो, एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर वगैरह शेयर कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ आज भी खींचते चले आते हैं और यही कारण है इसकी लोकप्रियता का, क्या कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है और इसे लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन यूज़र्स हैं इसके। इस सफलता पर मार्क जकरबर्ग का कहना है कि 1 बिलियन लोगों को आपस में एक साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही सुखद और अद्भुत अनुभव है जो मैंने ये मदद कर पाया। मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ और मेरे अब तक के जीवन की वो चीज़ है जिस पे मुझे सबसे अधिक गर्व है। दोस्तों, मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया था यानी कि ये सॉफ्टवेयर बनाया था तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया था और आज ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलेनियर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्होंने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से मार्क जकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7th पोजीशन पे हैं। मार्क जकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है, जिसे मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप सबको देखना चाहिए। खासकर उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं और प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिल्म का नाम दोबारा मैं बोल रहा हूँ, द सोशल नेटवर्क है।
तो दोस्तों ये थी मार्क जकरबर्ग की कहानी, उनके सफलता की कहानी, किस तरह उनकी उनकी इंटेलिजेंसी ने बिना उम्र की परवाह किए, बिना अपने एज की परवाह किए, अपने छोटे से उम्र में ही एक स्टार्टअप किया और इतनी जल्दी कम उम्र में ही वो सबसे कम उम्र के बिलेनियर बन पाए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी और आपने इससे क्या सीखा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।